हे गाइस, हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं आपका होस्ट गुरप्रीत। आज मैं एक और वीडियो लेके आया हूं आपके पास, क्रेटा प्राइस हाइक की। तो ये वीडियो स्पेसिफिकली क्रेटा के प्राइस हाइक के बारे में बात कर रही है। मैंने एक वीडियो पहले बनाई जिसमें हुंडई के प्राइस हाइक की बात हुई थी, और उसके अंदर क्रेटा के प्राइस हाइक का भी डिटेल उसमें आया था, बट स्पेसिफिकली उसके प्राइस नहीं आए थे उस टाइम तक। बट आज है 27 जनवरी, और ये प्राइस लिस्ट है 23 जनवरी को। एक सब्सक्राइबर ने मुझे ये लिंक भेजा और बताया कि ऐसे प्राइस इंक्रीज हो गया है। फॉर्चुनेटली जो मैंने गाड़ी अपनी डिलीवरी ली थी वो थी 17 जनवरी को, तो तब ये प्राइस एप्लीकेबल नहीं था। बट हाँ, मुझे कुछ स्पेकुलेशंस था और सेल्समैन ने बोला भी था कि प्राइस आपका इंक्रीज हो जाएगा, तो मैंने भी बहुत जल्दी मचाई, काफी उनके पीछे पड़ा। बिकॉज जो बुकिंग कराते हैं उस टाइम का प्राइस एप्लीकेबल नहीं होता, प्राइस एप्लीकेबल होता है जब आपकी गाड़ी डिलीवर होने वाली होती है, बिकॉज में आरटीओ के रजिस्ट्रेशन, इंश्योरेंस और टीसीएस वगैरह चीजें ऐड हो जाती हैं। तो ये गाइस, जो प्राइस दिख रहा है इसमें, पहले बताना चाहूंगा कि प्राइस दो बार बढ़ा है। प्राइस दिसंबर का प्राइस अलग था, जनवरी में प्राइस अलग था, और अब जनवरी 21 और 23, मतलब 2021 जनवरी और 23 जनवरी 2021 को एग्जैक्टली प्राइस बढ़ा है, तो एप्लीकेबल हो गया है सारे शोरूम्स के अंदर। तो अभी हम बात कर रहे हैं जो इसका मोस्ट पॉपुलर वेरिएंट है, वो है इसका ई डीजल एंड ई पेट्रोल। तो अगर आप देखें तो जो प्राइस पहले मैं कहूंगा डीजल का था, पेट्रोल का था, वो था 981,890, और अब जो हो गया है वो हो गया है डीजल जितना 9,99,990 रुपीज, जिसके अंदर 18,000 का डिफरेंस है। तो 18,000 का डिफरेंस सिर्फ एक शोरूम में इफेक्ट नहीं करेगा, इसका डिफरेंस जो टोटल आपको पड़ेगा वो पड़ेगा ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 28,000 रुपीज, बिकॉज आपका एक्स शोरूम बढ़ने की वजह से आपका आरटीओ बढ़ जाता है, आपका इंश्योरेंस बढ़ जाता है, और आपकी जो कंपनसेशन सिटी टैक्स होता है वो भी बढ़ जाता है। अब ये जो प्राइस हाइक हुआ है सारे वेरिएंट्स पे हुआ, आप देखिए डिफरेंस 18,100 से लेके 21,900, ये तो पेट्रोल की बात कर रहे हैं। बट जो हम बात कर रहे थे स्पेसिफिकली वो था 1.5 मैनुअल ई डीजल, जिसका प्राइस पहले 10 लाख से नीचे था, अब उसका प्राइस 10 लाख से ऊपर हो चुका है। जो सेल्टोस का भी प्राइस था, अगर आप देखें तो सेल्टोस का प्राइस भी 10,34,000 रुपये था। उन्होंने अपना प्राइस अभी नहीं बढ़ाया है, उनका प्लान भी था अपना प्राइस बढ़ाने का, बट तब तक क्रेटा का जो सेल्स चार्ट था वो बहुत अच्छा चल रहा था, ऑलमोस्ट 10,000 यूनिट से मंथली बेच रहे थे। बट अब ये जो इफेक्ट आ गया है, जो अभी यहाँ पे आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा 31,500, जो लग रहा है 3.5% हाइक, बट ये इन रियल वर्ल्ड ऑन रोड प्राइस में आपको 60,000 रुपये का डिफरेंस इसके अंदर आएगा। तो बेसिकली जो आपको 1150 में या 1140 में आपको क्रेटा ऑन रोड पड़ रही थी दिल्ली और यूपी के अंदर, अब वो टच कर जाएगी 1220 या 1210, मतलब 12 लाख से पार हो गई है गाड़ी। इसमें इंश्योरेंस बढ़ जाएगा, इसमें आरटीओ बढ़ जाएगा, इसमें आपका जो टीसीएस होता है, जो 1% ऑफ टोटल अमाउंट होता है, 10,000 रुपये वो बढ़ गया है। तो बेसिकली ये फोर्थ टाइम जब से क्रेटा अभी तक लॉन्च हुई है मार्च 2020 के अंदर, फोर्थ टाइम क्रेटा का प्राइस बढ़ गया है, और उसकी डिमांड अभी भी लो नहीं जा रही है। लोगों को इसकी अवेलेबिलिटी का इश्यू आ रहा है, बहुत सारे शोरूम्स ने बुकिंग लेनी बंद कर दी है। पर मैं आपको बताना चाहूंगा, मुझे बहुत सारे लोगों ने अप्रोच किया कि बुकिंग नहीं हो रही है, बट मैंने किसी से बात करी इंटरनली, उन्होंने बोला कि अगर हम शोरूम से बात करें, वो अगर बुकिंग नहीं भी ले रहा है तो आप ऑनलाइन बुकिंग हुंडई की वेबसाइट पर जाके इसकी करा सकते हैं। तो देखिए, अब बुकिंग कराना ना कराना एक अलग पॉइंट है, बट यहाँ पे है कि प्राइस इंक्रीज। अब सेल्टोस के मुकाबले क्रेटा एक बहुत अच्छा ऑप्शन बनता था, बिकॉज ऑफ नेटवर्क, इसका सर्विस नेटवर्क है, इसके पार्ट्स अवेलेबिलिटी है, इसकी मॉडिफिकेशंस हैं, और जितनी मॉडिफिकेशंस क्रेटा के अवेलेबल है सेल्टोस की उतनी अवेलेबल नहीं है। इजीली जो हो पा रही है क्रेटा के अंदर, जिसमें आपको सारे पार्ट्स बहुत इजीली मिल रहे हैं, हालांकि लोगों को बहुत अलग प्राइस मिल रहा है। और हाँ, जल्दी मैं एक वीडियो बनाने वाला हूँ गाइस, जिसमें अब टोटली मैं सारे प्राइस मेंशन करूंगा, जिसके अंदर जो भी हमारे पार्ट हमारी गाड़ी में लगे हैं, मुझे बहुत सारे कमेंट्स आए। और हाँ, लास्ट वीडियो में मैंने बोला था कि मैं आपको प्राइस बताऊंगा, बट वीडियो के एंड तक पता नहीं मैं कैसे उसको भूल गया, और मुझे बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया कि प्राइस नहीं बताए हैं। तो एक वीडियो जल्दी ही आने वाला है जिसके अंदर सारे के सारे प्राइस डिस्क्लोज करेंगे। हमने अपना म्यूजिक सिस्टम इंस्टॉल कर लिया है, अपनी गाड़ी में अलॉय व्हील्स लगा लिए हैं, तो सारी चीजें हम शोकेस करेंगे आने वाली वीडियो के अंदर। एक ही दिन के अंदर वीडियो वो आ जाएगी। चलिए, अब चलते हैं आगे और इसका एग्जैक्टली हम प्राइस देखते हैं जो सारा है पेट्रोल का। तो पेट्रोल का प्राइस अब हो गया है जो पहले डीजल का था, और डीजल का प्राइस 10 लाख पार कर चुका है, और बेसिकली ये उसका कंप्लीट प्राइस लिस्ट है। तो बेसिकली आपको
क्रेटा अगर आप लेने जा रहे हैं, अब वो आपको 60,000 रुपये से लेके 1,10,000 रुपये तक, जो टॉप मॉडल में, अब महंगी पड़ने वाली है। तो गाइज देखिए, अब इसमें आप और हम कुछ कर नहीं सकते। इसमें जो भागीदार कंपनी भी होती है, और जैसे ही कंपनी कुछ परसेंटेज बढ़ाती है, कुछ लेवल पार कर लेती है, उसके हिसाब से गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, जैसे कि ये सब चीज़ें बढ़ाना, और वो साथ में बढ़ते ही जाएंगे। लेकिन अगर आपको इनवॉइस के बारे में कभी आपने देखा हो कि एक्चुअल गाड़ी के अंदर टैक्स कितना लगता है, तो मैं आपको एक मोटा मोटा फिगर दे देता हूँ गाइस। जो गाड़ी आपको 13 लाख रुपए की पड़ती है, उसकी मैं आपको बताता हूँ कि 9,99,000 के अंदर इसका जो एक्चुअल कॉस्ट टू शोरूम होता है, वो 6,90,000 रुपये होता है, ठीक है। और उसके बाद 95,000 करके CGST और SGST लगता है, और एक सिटी कंपनसेशन टैक्स होता है 1,17,000 रुपये के आसपास। तो बेसिकली ये 9,90,000 के अंदर आप लगा लीजिए 3 लाख टैक्स होता है जो गवर्नमेंट को जाता है। 90,000 रुपये ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट शोरूम का प्रॉफिट होता है। तो आप ये लगाइए, जो गाड़ी 9,90,000 एक्स शोरूम है, वो 6 लाख रुपए की शोरूम को पड़ती है। शोरूम अपना 90,000 रुपये, 13-14% का अपना प्रॉफिट रख के उसको 6,90,000 रुपए की बिलिंग करके इनवॉइस बनाता है, जिसके अंदर CGST और SGST लगता है, फिर सिटी कंपनसेशन टैक्स लगता है, जिसका एक्स शोरूम बन जाता है 9,90,000 रुपए। अब जब आप इसको रजिस्टर करने जाते हैं, अगर वो पेट्रोल है तो ऑलमोस्ट 90,000 रुपीज, अगर वो डीजल है तो 1,20,000 रुपए के आसपास ये आपको पे करना पड़ता है। तो हो गए ऑलमोस्ट, आप लगा लीजिए 11 लाख कुछ रुपए, और फिर 11,20,000, 30,000 लगा लीजिए, और फिर आपको इसको लोन पे लेते हैं, तो अगर आप 5 साल का लोन लेते हैं, और अगर 3 लाख रुपए डाउन पेमेंट करते हैं एवरेज, तो आपको 1,95,000 रुपीज आपको बैंक को देना पड़ता है। तो आप ये देखिए, जो शोरूम से 6 लाख की गाड़ी चली अपना, मतलब हुंडई से 6 लाख की गाड़ी चली, शोरूम में पहुंची, 90,000 उन्होंने जोड़ा, जो ठीक है उनका बनता है, तो 6,90,000 की गाड़ी ऑलमोस्ट डबल बढ़ जाती है जब वो आपके पास आती है। हालांकि आप ओवर द पीरियड ऑफ टाइम उसकी पेमेंट करते हैं, वो एक अलग पॉइंट है, बट मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, जो हमारी एग्जॉर्बिटेंट टैक्सेशन पॉलिसी है, जिसके अंदर सारी चीजें एड अप होके ये बहुत बड़ा अमाउंट बन जाता है। तो टॉप मॉडल्स में तो ये बहुत ही ज्यादा है, मैं तो आपको सिर्फ एक बेस मॉडल का एग्जांपल दे रहा था कि लोगों को लगे कि गाड़ी इतनी महंगी। गाड़ी एज अ प्रोडक्ट महंगी नहीं है, बट उसके ऊपर टैक्सेशन जो है वो हमारे इंडिया में बहुत ज्यादा है। पर चलिए ठीक है, अब जो है वो है। तो ये वीडियो अच्छी खबर नहीं थी, तो मैं ये चाहूंगा कि आप चैनल पे बने रहें, आपको और अपडेट्स आने वाले हैं। हमारी गाड़ियों को एक वीडियो बनने वाला है जिसमें एक्सेसरी की पार्ट टू पार्ट कॉस्टिंग होगी, और इस बार मैं नहीं भूलूंगा, और आपको सारे के सारा ऑडियो सेटअप भी जो हमने है वो भी दिखाऊंगा। सो आज के लिए इतना ही, थैंक्स फॉर योर टाइम गाइस, एंड डू सब्सक्राइब टू माय चैनल, और थैंक्स फॉर वॉचिंग।